But like, बात खेता बार लागे होकर आली बात प्यारी लागे सवा मन को घूगरो एक मुर्गो बांधियो जाए टापला को घेंसलो साड़ी सत्रा हाथ राम बचावे तो बचे बचे ने मारी बात। एक माँ और बेटो रेवचा पिताजी का खत्म हो गया था तो मागर को काम करती और बेटो गाया चरा ले रहा तो चराता 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 दो पांच साल हो गए तो दस पांच गुआलिया मिले और गाया ने चराता तो गुआलिया ही गुआलिया बोलता आपस में बोला यार मारी तो शादी होगी। वह बोलते मारी शादी होगी उन्होंने बोलिया थारी शादी कौन हुई तू अभी तक कंवारो ही है बाकी सबकी शादी होगी माँ के बीबी आव लगी। तो साहब वह श्याम ने गायन ले और करा आगो और आता है बोलियो माँ माँ कहते हाँ बेटा बोला सबकी शादी होगी मारी शादी कौन हुई मारी शादी भी करवा माँ जानगी का आज कोई न कोई ने बोल दियो। तो वह बोली बेटा थारो ब्याह तो बचपन में छोटो सोचो तू जदी होगी जी तो बोला माँ मारी शादी होगी तो मार दी मारी बीनणी ने ले रहा जो बेटा चिंता मत कर मैं आज ही ले आऊं थारी बीनणी ने तू आ तो गाया चरा रहा। तो सुबह वह गाया चरा पे चल गो और उनकी माँ तो साहब माँ एक माटी लियाई और माटी की उनको तानी औरत बना दी पीनी बना दी तानी और बना बनू और उन जे चूलो रह जे उनके पास में बैठा दी और एक चूल्हा पे राबड़ी की मटकी रख दी और उनमें चाटू लगा दी और उन्हें उड़ा फेरा और रंगिया बैठा दी। तो श्याम ने वो आयो कहते माँ माँ बीरनी लिया है कहते हाँ बेटा लिया है कहते कोर्ट से कह जो राबड़ी बना रही है राबड़ी बना रही है। तो वह जा रहा बोलियो कि चल मुझे राबड़ी डाल। माँ सुनी अरे बेटा तू इन अबार हाल तीन आई छे और आती जाती नहीं कहीं बोल छे तू ले आ जा तो मैं गाल दीजू राबड़ी पाचे फिर बाद में थे या गाल दीप करेगी काल सु। तो माँ कहे ठीक छे मैं राबड़ी गाल दीजू और तू खा ले मारा बेटा। तो माँ उन्हें राबड़ी गाल दी रो खा पी और सो गो सुबह उठ और हल बाबे चल गो। तो हल बाबे चल गो हल बाबू और आयो जतरे वहाँ माओ की माटी की जे बीननी थी और अच्छी उन्हें फोड़ फाड़ और पटकियाई आता है कहते माँ माँ कलियुगाल अरे कहते बाप कना घावना कलियुग आएगा लूँ वह थारी बीननी तो भागी कहते क्यों कहते रात ने तू आता है उन्हें राबड़ी भी खे दियो तो वह तो रूस और भागी। तो कहते माँ कोड़ी गई कहते ई दिशा ने गई उत्तर दिशा ने गई। तो वाह कहते ठीक से माँ तो ऊँडा सुआ जो हल बाव सुन एक पुरानी रह कहते पुरानी जे हाथ में ले लियो और एक दही को मटको ले लियो और एक हल को फाड़ रहे लोया को उन हाथ का मायने ले और चल दियो। तो चलता 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 एक जंगल का मायने पहुँच गो तो उस जंगल का मायने एक जंद की बीरनी और जंद की बच्ची झूलो झूल रही थी। तो वो आदमी ने देख रहा हंसब लगी तो वह हंसी तो जा और वह ग्वाले के एक सपीट लगाई प्राणी की तो और वो बलगी जोर लगार कहते तू मुने पागल बना और मारी मम्मी ने पागल बना रे भाग्या इंडर तू हिंदा हिंदरी चल और देख देख रहा सा और से मुने अरे कहते पागल छे कुण तू
कद मैं थारो कसम थारो बींद थारो पति। तो बोलिया मैंने तो थारी पत्नी ने कहीं मारो बाप जिंद छे अरे वा बार तो ने खाई है लोग छे हाँ कच्छे हाँ। तो कच्छे तू मुने देख रहा सी क्यों कच्छे मैं सी तो ने देख रही हैं तू या मानवी जीवित ही कहीं आ गोइंड मारो पिताजी 12 और 12 24 कोस यानी 36 और 36 72 किलोमीटर मोर एक चढ़ी को बच्चों को न छोड़ तू कहाँ बच गो। तो फिर रोई कहाँ बोले रोई तो तुम्हारे परानी की दियो तुम्हारा दर्द हुए तो मैं रोई। तो साहबाओं का पग पकड़ लिए थे अगर भाई बचाओ तो तू ही बचा अन्यथा आज मारी जान जाओगी। बोला तू अगर बावड़ी छे या बावड़ी के अंदर जा और 7वां नंबर को कमरों से उनको माइन जा और फिटो जाकर से। तो साहब बोला ठीक छे। तो वह जा रहा 7वां नंबर का कमरा का मैंने फिटो को आधा एक घंटा बाद में जिंद आयो जिंद आ रहा बोले जो बेटी बेटी के आज तो इन्हें मानुष की बात आवे मतलब मनुष्य की बात आवे जे तो इन मनुष्य जगह पिताजी थे 12 12 24 कोस का एरिया मोर कौन छोड़ो तो इन ने कोड़ी ने मल्लो था ना मानुष कहते नहीं बेटा मुन बास आए रीजे। तो पिताजी बास आ रही से तो थे देख लियो। तो साहब वो खुशबू सूंघ तो खुशबू लेतो 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 7वां नंबर का गेट के ना पहुंच गो। बोर जा बोलियो बोला तू कौन छे। तो वह जो गुआड़े बोले भाई तू बता तू कौन छे मतलब आप कौन हो आपस में बहस हो रही आप कौन हो। बोला आप कौन हो। तो जिंद बोले हो कि बोला मैं जिंद। तो बोला मैं जिंद का भी फिंद और कचे तो यार बहुत तगड़ा आदमी है। तो कचे बोला फेंक तेरा झाग थूक फेंक। तो साहब वो जो मटकी छी दही की ऊन फेंक्यो तो बावड़ी की जो सीढ़िया छी ऊँग मायने उस जया ही वह दही पड़ियो। तो वह देखो कि उसका झाग और थूक इतना गाढ़ा था कि तो कोई बहुत तगड़ा फंद है अपने जीव को। तो बोला तेरा दांत फेंक कैसा है दगा। तो साहब वो जो फाड़े जो ना हड़ को लोया को उन्हें फेंक्यो बावड़ी का मन डालियो। तो बावड़ी का मन टन 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 बास्त हो गयो। तो देखियो वह जिंद बोलेगा दांत भी बहुत खतरनाक से। तो जिंद बोलियो उन्हें अगर भाई मेरी माँ बेटी की 3 तलाक कसम खाया हो अगर मैं बाहर निकला तू और मेरे को माफ दे मेरे को बगस मेरा जीव बगस। जिंद बोलने लगा है उसको तो कह मैं तेरे हाथ भी नहीं लगाऊंगा मेरी लड़की तेरे को साथ ब्याह हो तेरी साथ शादी करूंगा। तो साहब वह खट गेट खोल और बारा ना गो। देखियो जिंद तो बोले या तो मनुष्य लेकिन साहब पहले का जमाना वचनबद्ध था तो वचना के अंदर आ गो आ और उनकी बेटी उन्हें परना दियो जिंद ने जिंद की बेटी उगवाड़ा ने पहना दियो मतलब उसके साथ शादी कर दी। और जिंद के पास से यहीं भी धन की कमी कौन रहे। तो जिंद हाथी घोड़ा पालकी में बैठा और उसकी बच्ची की विदाई की। तो विदाई कराया तो खूब धन दौलत हीरा जवाहरात सब कुछ दे रखन आया। तो साहब धीरे 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 वो जा रहा था ले और जही आई वहाँ की गांव के पास पहुँचा तो जे उबू आया गाया चरा रहा था वो भाग्या भाग्या उनकी माँ के पास आया कहे माँ माँ कहे हाँ कहे आज तो थारो बेटो बीरनी ले रहा रहे और रथ घोड़ा पालकी और मालसू लदा पद हो तो आ रहे थे। अरे बोला बेटा वो माँ कर बेटो की भी कदे न कदी तो शादी होगी क्यों मजाक करे। तो कहते नहीं माँ की कहते मैं चाल तू छत के ऊपर देख। तो साहब पहले का जमाना का मैंने कच्चा झूपड़ा रह जा उनकी छत के ऊपर जा और वहाँ माँ देखी तो वास्तु में गरद उड़ती आ रही और रथ घोड़ा पालकी कुबानी और ये आ रहा। तो साहब माँ देखो न नीचा ना की थोड़ी देर बाद मुँह आगे घर आगा साहब आया और वजह बहू आई। तो सासू का पगदा भी और माँ का चरणा में बेटो डोग दियो और वहाँ का घर आनंदमय होगा अनंत अंश वहाँ का भंडार वर्गा वहाँ का आनंद होगा वहाँ का सा आनंद मैं भगवान से प्रार्थना करूँ छूँ। अगर जितना भी मारा यूट्यूबर भाई छे और मेरा चैनल ने देख वाला छे जो चैनल ने सब्सक्राइब कर वाला छे
तो उनके भी अन्न और धन का आनंद भंडार भरे, अपार भंडार भरे। जय श्री राम। अच्छी लगी हो तो राख लीजियो, बुरी लगी हो तो मन वापस लौटा दीजियो। जय श्री राम।